Good morning, children. I am class 3A. I am in chapter 10. Fraction. Fractions. Dekhenge aage hum. Fraction mein न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में देखे थे. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इसको तो क्या होता है फ्रैक्शन, यही होता है. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इसको तो फ्रैक्शन. कोई भी न्यूमरेटर निकाले, जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन आपका है 11/24, ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर भी है और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर. ठीक है सर, हम लोग पढ़ चुके थे. आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ. हम जान चुके हैं फ्रैक्शन के बारे में और नेक्स्ट को क्या नहीं है आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इट. पार्ट ऑफ ए कलेक्शन. या जिसे इकट्ठे रहता है, यूनिट पर रहता है, ग्रुप पर रहता है, उसके कलेक्शन को फ्रैक्शन में कैसे दो. जैसे मैं देखा था तो क्वेश्चन है 1/2 of 6. तो इसमें करना होगा क्या, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 लिखेंगे, काट करके कितना हो जाएगा 1/3 = 3. तो ये 3 पार्ट हो गया है ना. इस तरह से हम लोग और भी देखते हैं क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि पहले हम लोग स्टडी कर चुके थे. जैसे 1/2 क्या हो गया, हो गया 1 part out of 2 equal parts. है ना, तो हम सिंपल सिंपल देख रहे हैं, देख चुके हैं. हम 1/2 का मतलब क्या हो गया है, 1 part out of 2 equal parts, मतलब एक पार्ट है, दो इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को दिया गया है, दो इक्वल पार्ट है आपको उसमें से एक दिया गया है ना. ये इसको दिखाता है. इसे और आगे देखेंगे हम लोग, जैसे कि 1/3 of a collection of 12 units. कितना हो, देखिए 12 गिफ्ट का कलेक्शन है. गिफ्ट आते हैं अपन, ये लिख हो गया है ना. इस तरह से 12 लीव्स है, कितने हैं 10 लीव्स है. तो 12 लीव्स का कलेक्शन है, उसका 1/3 पार्ट निकालना है. तो लिखेंगे क्या, 1/3 of 12 लीव्स इसको हम लोग हो जाए 1/3 और की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे हम लोग और ट्वेल्व लिखेंगे और 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे, है ना. तो 3 4 12 कटेगा और 1 मल्टीप्लाई 4 इसको लोग कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/3 ट्वेल्व लिख का जो है 1/3 कितना हो जाएगा, लिखेंगे 1/3 of 12 इज इक्वल टू 4, है ना.
आने वाले 4 हो गए। मैंने का सेंस ये है कि आपका जो भी टोटल प्रोडक्शन है ना उसको डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर का पेन को ना इससे डिवाइड कर देते हैं और ऊपर जितना नंबर है डिनोमिनेटर उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हम क्या है 1/3 ऑफ एग्जांपल मल्टीप्लाई हो गए और फिर ले टोटल प्रोडक्शन कितना है 3000 है ना, जो भी नंबर होगा उसको क्वेश्चन जो है जैसे कि 1/4 ऑफ 16 कोई 16 थिंग्स है इसका 1/4 निकालना है, 1/4 पार्ट कितना होगा है ना, 1/4 पार्ट निकालने के लिए 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 16 करेंगे है ना, उसके बाद इसको तो बड़ी चेंज कर देंगे 1/4 से लिखेंगे इसको प्लस ठीक है डिवाइड करेंगे 4 मोर 16 करेंगे ठीक है4 अलग करना होता है कोई भी नंबर हो उसको, इसे सेल्फ करके क्वेश्चन होता है आपका, एक क्वेश्चन है सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 बना चुके होंगे 2 बनाएंगे आप और 3 बनाएंगे ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप बनाएंगे ओके।